हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सैफ और आज की इस वीडियो के अंदर फिर से आपके लिए एक नया टेक्स्ट इफेक्ट लेके आया हूं, जो कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप पोस्टर्स में, आपके बैनर्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेते हैं टेक्स्ट टूल, देन टाइप करूँगा मैं यहाँ पर मुझे जो वर्ड चाहिए उसको। मैंने यहाँ पर सॉलिड टाइप किया है, देन मैं इसको, इसका फॉन्ट मैं चेंज करूँगा। मैंने यहाँ पे मॉर्गनाइट फॉन्ट लिया है, उसको मैं मीडियम पे सेट कर दूँगा। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी एडजस्ट कर लूँगा ताकि दिखने में और भी ज़्यादा कूल लगे, और भी ज़्यादा अच्छा लगे। देन मैं लास्ट को आपको फिर से ये बता रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर लास्ट में आपको एक पोस्टर के अंदर इसको कन्वर्ट करके बताऊंगा इस इफेक्ट को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लेयर को, सॉलिड लिखा हुआ है, इस लेयर को आपको फाइनल साइज़ एडजस्ट कर लेना है कि इतना साइज़ में मुझे चाहिए। तो ये रहा, मैंने साइज़ एडजस्ट कर लिया। देन मैं इसको प्रेस करूँगा, क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, देन मैं यहाँ पर जाऊँगा कन्वर्ट टू शेप में। आपको इस लेयर को शेप में कन्वर्ट करना है। देन आपको यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन सिलेक्शन टूल को यूज़ करना है और नीचे के जो नोड्स दिख रहे हैं आपको, मैं जूम करके बता देता हूँ, ये जो छोटे छोटे नोड्स है इसको आपको सिलेक्ट करना है क्लिक एंड ड्रैग करके। ओके, देन शिफ्ट प्रेस करके आपको यहाँ से इसको नीचे की ओर ड्रैग करना है। तो अब ये लग रहा है थोड़ा सा एक कूल पोस्टर के जैसा लग रहा है। अभी हुआ नहीं ख़त्म, पूरा देखना। बस मैं इसके ऊपर एक थोड़ा सा लिक्विफाई इफेक्ट क्रिएट करूँगा। तो यहाँ से आपको, आप चाहो तो डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं या तो फिर इस लेयर के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए आपको बताने के लिए इसी वाले लेयर के ऊपर मैं फिल्टर में जाऊँगा, देन यहाँ पर मैं लिक्विफाई ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। आप चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट और एक्स प्रेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो रास्टराइज का ऑप्शन है, एक तो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। तो आप बेसिकली कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना, क्योंकि आपको इसकी साइज छोटी बड़ी करना पड़ेगी फ्यूचर के अंदर, तो आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। रास्टराइज अगर कर दोगे आप तो इसके अंदर क्या होगा, ये साइज जो है वो आप अगर छोटा बड़ा करोगे तो इसके जो लेयर है वो लेयर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और इसके अंदर थोड़ा सा ब्लर भी हो सकता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। सबसे पहले तो टूल लेना है, यहाँ पे ये रैप टूल कहते हैं इसको, ये रैप टूल को ले लेना है। मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट की हुई ऑलरेडी 300, देन मैंने डेंसिटी रखी है 20 इसको, और प्रेशर मैंने रखा है 80% का। आपको बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्लिक करना है और राइट की तरफ इसको ड्रैग करना है। मैं फिर से बताता हूँ, आपको क्लिक करना है और राइट की तरफ इसको ड्रैग करना है, देन आपको नीचे आना है थोड़ा सा और लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना है, देन यहाँ पे आके प्रेस ओके पे क्लिक करना है। ये रहा आपका इफेक्ट रेडी है। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी डेप्थ क्रिएट करूँगा, तो मैं यहाँ से सिंपली ब्रश टूल ले लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे क्रिएट अ न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं एक सिंपल सा एक ब्रश ले लूँगा, उसके साइज़ में रख दूँगा अराउंड इतनी, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने साइज रखना चाहते हैं। ऑल्ट प्रेस करके आपको पिक टूल लाना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं रिकमेंड करूँगा आपको शॉर्टकट, आप ब्रश टूल ले ले, ऑल्ट प्रेस करें, यहाँ पे आपका पिक टूल आ जाएगा, कलर पिकर, आप यहाँ से कलर पिक कर सकते हैं। देन यहाँ से आपको राइट को ट्रैक करना है, थोड़ा सा आप ध्यान रखे कीजिए ताकि एक दिखने में इल्यूजन क्रिएट हो कि ये शेडो है, ये टेक्स्ट थोड़ा सा अंदर जाके फिर बाहर निकल रहा है इस तरह से। तो ये वाला इफेक्ट आपका रेडी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो मैंने वादे के मुताबिक आपको ये बताऊँगा कि इस वाले लेयर को आप किस तरह से आपके पोस्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों लेयर्स को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक कर दूंगा। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, इसका साइज़ आपको अगर छोटा बड़ा करना है फ्यूचर में तो आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जस्ट एक मैंने एक इमेज ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड करके रखा ही है, उसको मैं क्लिक एंड ड्रैग करके मैं यहाँ पे इमेज को लेकर आऊँगा। इमेज की साइज़ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इस इमेज को थोड़ी सी उल्टी कर लेता हूँ ताकि दिखने में और भी कूल लगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस वाली इमेज का कलर
मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ऑल ओवर थीम हमारी ब्लैक एंड व्हाइट पे है, तो मैं जस्ट यहाँ पे इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आपको इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देना है। इस वाले बटन को आप जब प्रेस करोगे तो ये एक क्लिपिंग मास्क तैयार हो जाएगा इसके ऊपर, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। देन बस मुझे इस लेयर को फिर से लेयर में लिक्विफाई में जाके थोड़ा सा इसको इस तरफ मुझे ड्रैग करना है ताकि ये महसूस ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा इसको भी खींच के चला लेके चला जा रहा है। देन प्रेस ओके कर दीजिए, थोड़ा सा फिर से एडजस्ट कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, बस इसके ऊपर मास्क क्रिएट करना है, ब्रश टूल लेना है और जितना आपको एरिया नहीं दिखाना है उतना आपको बस ब्रश कर देना है। बस फिनिशिंग अच्छी रखिए, पोस्टर्स ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके जो भी क्रिएटिविटी आपकी उसको लुक आ जाएगा अच्छी तरह से। देन मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूँगा, रेक्टेंगल ले लो, इसको मैं इधर तक ड्रॉ करूँगा। कलर मैं इसका रेड रख देता हूँ, मैं इसको सबसे टॉप पे रखूँगा। देन आप यहाँ पे जाके फिल्टर ऑप्शन में जाके आप सॉफ्ट लाइट या तो फिर लीनियर लाइट आप में से जो भी है आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लीनियर बर्न को सिलेक्ट कर दूँगा कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। आपके हिसाब से आप मतलब जो भी इफेक्ट क्रिएट करोगे वही हिसाब से आप रख सकते हैं। सिंपली ये तो लग रहा है अभी कि पोस्टर बन गया है, बस इसके अंदर कुछ और एक चीज़ ऐड करनी है। सबसे पहले तो इसको अलाइन में सेंटर कर लेता हूँ। ओके, ये ठीक लग रहा है। देन मैं यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट करूँगा और थोड़े से स्लैटर मैंने ब्रश सिलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी, उस ब्रश को मैं यहाँ पे रेड वाले लेयर के ऊपर सेम कलर में पिक कर दूंगा। देन मैं यहाँ पे साइज थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। तो बेसिकली इस वाले लेयर को भी आपको लीनियर बर्न का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। थोड़ी सी मैं इन दोनों को थोड़ी सी ओपेसिटी को सेट कर देता हूँ। देन ये वाला इफेक्ट आपका रेडी है। आप चाहो तो इससे बेहतर इफेक्ट बना सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर टैग कर दो। इफेक्ट जो भी बनाओगे आप, मैं इंस्टाग्राम हैंडल में अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।